वेलकम टू माय स्मार्ट फिटनेस। मैं हूं आपका ट्रेनर रिजाज अहमद। मेरे साथ इस वक्त हैं मैं अपना खुद कराऊं फैसल। ये आमतौर पर कैमरे के पीछे होते हैं, आज कैमरे के पीछे बुरहान भाई हैं। फैसल आज सामने हैं। कह रहा था कि आप अपने मसल्स दिखा रहे हैं तो थोड़े मैं भी दिखाऊँ। बस इंशाल्लाह जनवरी आने दें, सलाह देखिए जनवरी आने दें, फिर देखिएगा फिर क्या होगा। फिर इंशाल्लाह मसल्स आएंगे जनवरी में। सर्दियों में कहते हैं ना गेन होता है, तो मैं सर्दियों में इंशाल्लाह गेन हो गया। थोड़ा सा मैंने गोश्त की दुकान से रब्ता किया तो मसल्स आ जाएंगे। अच्छा, फैसल का कहना ये है कि जनवरी तक आप वेट करें, फिर मैं आपको चैलेंज करता हूँ। और अभी फिलहाल तो मसले हैं, मगर आपका 30 साल का तजुर्बा है ना, तो वो एक डायलॉग है कि आपके साथ एक साल से मैं रह रहा हूँ तो मेरा 31 साल का हो गया तजुर्बा। फैसल ने गोश्त की दुकान से रब्ता किया, आप लोग भी गोश्त की दुकान से रब्ता करने के डायरेक्ट मसल चढ़वाओगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं दुकान चलाऊँगा मास। यार ये कोई नया इसने फॉर्मूला दे दिया है, जिन बच्चों के मसल नहीं है वो किसी गोश्त वाले से रब्ता करें, उससे दोस्ती करें, तो हो गई है दोस्ती तुम्हारी? बिल्कुल, महमूदाबाद में तो आप लोग भी रब्ता करें गोश्त वाले से। फैसल आपको आखिर में अपना नंबर दे देगा, ये आपको अपने सीक्रेट्स बताएगा और इसका फ़ायदा आप लोग भी उठाएं। हम इस वक्त मौजूद हैं मसल फिटनेस जिम में। फैसल यहाँ का ट्रेनिंग मैनेजर है, यहाँ का कोच है, बहुत सारे बच्चों को इसने ख़राब किया। तो फैसल कैसी ट्रेनिंग हो रही है आजकल? जहाँ भाई आजकल बड़े मज़े की ट्रेनिंग हो रही है। सामने गेमिंग जोन है तो वहाँ से बच्चों को पकड़ के मैं यहाँ ले आता हूँ, मेरा गेम के लिए थोड़ा सा यहाँ पे एक्सरसाइज कर लिया मैंने। एक्सरसाइज करता वरता कोई नहीं है, ये पकड़ पकड़ के ले आता है यहाँ पर। कुछ बच्चे आ जाते हैं, कुछ दिन एक्सरसाइज करते हैं, समझते हैं डोले छोले बन जाएंगे। बनते हैं डोले छोले? आप के देखें, आप इस उम्र में देखें आपके हैं तो कैसे उम्र, इस उम्र का क्या मतलब होता है? मतलब जवानी में, भरी जवानी में तो वो तो अभी बच्चे हैं, जवान हो गए डोले छोले दिखाए तो आज तक थोड़े व्यूज़ मिल जाएंगे हमें, थोड़े सब्सक्राइबर्स भी मिल जाएंगे। आमतौर पर हम डॉलर वाले नहीं दिखाते, आज बुरहान भाई क्योंकि कैमरे पे आए तो हमें शौक हो रहा है कि कुछ डॉलर वाले भी दिखाएं। आज हमारा ट्रेनिंग का स्टार्टर्स की ट्रेनिंग का डे नंबर 8 है, उसमें हम डॉले करने वाले हैं, डॉलर वाले करने लगे हैं, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स पे डे नंबर 9 में करेंगे। बुरहान भाई आप पीछे से बताएं कैमरे के, ट्राइसेप बड़ा है या बाइसेप्स बड़ा? ट्राइसेप बड़ा मसल है। ट्राइसेप जो पीछे होता है ये बड़ा मसल है और बाइसेप छोटा मसल है, मगर बच्चों को शौक होता है बाइसेप बनाने का, तो ये पीक नज़र आ रही होती है तो ये बड़ा नज़र आ रहा होता है, मगर असल में जो 60% मसल है वो ट्राइसेप और 40% बाइसेप है। तो आज हम बाइसेप को ट्रेन कर रहे हैं, आज बाइसेप की ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। और पहली जो एक्सरसाइज है वो हम बार के साथ कर रहे हैं। आमतौर पर कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो बार के साथ एक्सरसाइज की जा रही होती है वो साइज़ के लिए होती है, डंबल्स के साथ जो एक्सरसाइज की जा रही होती है वो शेप के लिए होती है। हालांकि इसमें थोड़ी सी मिथ है। और जो मशीन्स में की जा रही है, मशीन्स के ऊपर जब आप करते हैं तो उसके बारे में कहा जाता है कि ये डेफिनेशन या कट्स के लिए, साइज शेप एंड कट्स। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम एक्सरसाइज करते हैं, हालांकि ये कॉन्सेप्ट 100% ट्रू नहीं है। तो सच क्या है? सच ये है कि अगर आपके रैप्स की तादाद 4 से 6 है और आप अच्छी डाइट के ऊपर हैं तो आप साइज गेन कर सकते हैं। कम साइज कंपनी की ब्रांडिंग कर रहे हैं यहाँ पे, आप उनकी कैप पहन के आई सुसू को भी दिखाते हैं भाई, इनकी ब्रांडिंग हो रही है। हो सकता है गाड़ी नहीं तो गाड़ी की चाबी हमें दे दें, मुझे लंबी वाली होती है। तो साइज बनाने के लिए अगर आप साइज के कॉन्सेप्ट को वर्कआउट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप हैवी वेट्स लिफ्ट करेंगे और 4 से 6 रैप, कितना वेट की 4 से 6 रैप होंगे उसमें आप साइज देंगे। चलिए आपको थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूँ, अगर वो साइज आप मशीन पे वर्कआउट कर रहे हैं तो साइज ही लेगा। अगर मशीन का कॉन्सेप्ट क्या था कट्स, अगर उस वक्त वो कट्स नहीं बनाएंगे, जो आपके डंबल्स का कॉन्सेप्ट वो क्या था, ये शेप बनाएगा। अगर अगर हैवी डंबल्स हैं और डाइट भी आपकी जो ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 3000 कैलोरीज की डाइट है, कार्बोहाइड्रेट है, सबका बैलेंस किया हुआ, तो भी आपका साइज ही बनेगा। तो ये कॉन्सेप्ट उस वक्त काम करते हैं जब आप उसी पैटर्न की डाइट ले रहे होते हैं और फिर आपके रेप्स की तादाद साइज के लिए 4 to 6, शेप के लिए 6 to 10 और फिर कट्स के लिए 10 to 20, मगर ऑल डिपेंड्स ऑन योर डाइट। उधर भी एग्जाम्पल है, मेरी वाली होता जाना भी क्या था। प्रांत भाई असल में आज कैमरे में तो
ये रहता कैमरे के पीछे और कैमरे के सामने आया तो बिल्कुल नहीं मिलता जंदा में डेले पार्ट पार्ट क्यों होता नहीं मिलता। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज, लेट्स स्टार्ट द वर्कआउट। पहले एक्सरसाइज कुरान भाई मैं कर रहा हूँ, ठीक है, आप मुझे शूट करें। आज सारी एक्सरसाइज आप ही करेंगे जल्दी। फर्स्ट एक्सरसाइज किसे कहते हैं जल्दी, कौन सा बार? सिक्स लेग बार एंड बार नॉट इजी बार कह रहे हैं, डिफिकल्ट बार कह रहे हैं आपकी मर्जी। कुरान भाई जरा डोरी शॉट दिखा दें। 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 12 ये पहली एक्सरसाइज हो गई। फर्स्ट एक्सरसाइज बाइसेप्स की मैंने एक सेट कर लिया है। अब मैं जा रहा हूँ डंबल्स के ऊपर, आप जरा हेल्प करेंगे मुझे डंबल दे देंगे वहाँ से स्टैंड के ऊपर जाते हैं हल्के वाले तुम हारी वो पहले जो पड़े हैं। ये उम्र का तकाजा है आप हल्के वाले हल्के ले आओ, फर्स्ट वाले ले आओ। 14 किलो चलेंगे ये ले आओ फर्स्ट वाले, क्योंकि आप हमारी उम्र के तो है नहीं ये आप है। मैं तेरू दस ना अपनी उम्र मैं कराना है, देखो एक्सरसाइज का पता लग जाएगा करा के निकल देंगे। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स हैमर कर्ल। ब्राउन भाई हैमर कर्ल किस लिए होता है? लंबा करने के लिए है, शेप फुल नीचे तक स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग आ जाए, फुल स्ट्रेच आ रहा है ना, ये लिफ्ट किया स्लो नीचे ला रहे हैं तो ये स्ट्रेच ला रहे हैं। तो इससे कॉन्सेप्ट क्या है कि ये बाइसेप्स के मसल्स को लंबा करता है। तो बाइसेप्स का मसल मेरा काफी लंबा हो गया, बहुत लंबा है। अब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में जा रहा हूँ। चार भाई ये बताएं कि मैं ये भी है पीक होना चाहिए लंबा नहीं होना चाहिए, लोगों के नीचे से खाली हो जाते हैं सारे। उस एक्सरसाइज की जो के पीक के लिए होती है, क्योंकि एक एक्सरसाइज शुरू में हमने साइज के लिए करती है, एक शेप के लिए, अब पीक के लिए करते हैं। दोबारा बार के ऊपर चलते हैं। फैसल क्या कह रहे हो कान में जाके? अच्छा पहले हमने ब्रॉड ग्रिप के साथ किया, उसका कॉन्सेप्ट ये था कि हम साइज के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब बुरहान भाई ने कहा पीक के लिए भी एक्सरसाइज होनी चाहिए, तो वो क्लोज ग्रिप एल्बोज मेरी आ गई मेरी वेस्ट लाइन या स्टमक के ऊपर। थोड़ा सा मैं बेंड होऊंगा ताकि मेरा सारे का सारा लोड मेरी पीक में चला जाए। 1, 2, 3, 4, 5 नजर आ रहे हैं बिल्कुल। ये फैसल मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, फैसल की रोड़ा किया तेरे ना। बिगिनर्स को एक्सरसाइज करनी चाहिए नहीं, बिगिनर्स तड़प रहे होते हैं क्योंकि ये पीक बन जाए, बाइसेप्स किसी तरह बन जाए। तो ये बाइसेप्स की तीसरी एक्सरसाइज हो गई पीक के लिए। और हम भी एक एक्सरसाइज पीक के लिए और कर लें बिल्कुल कर लें। मैं बैठ के करूंगा, पीछे चले जाए, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन कवर। और ये तो सबसे मशहूर एक्सरसाइज है, आप भी चाहे तो बैठ जाए मेरे साथ। क्या बात ये कह रहे जी बाबा जी हो गए हैं, अब आप भारी भारी डंबल्स उठा रहे हैं, इसको मैं बताता हूँ। 1 बच्चों जब एक्सरसाइज करो असेंट्रिक फास्ट और डिसेंट्रिक स्लो ताकि आपका मसल पूरी तरह खींचे। 3, 4 and 5 तो बुरहान भाई ये चार एक्सरसाइज हो गई। पहली एक्सरसाइज हमने की इजी कर, पहली एक्सरसाइज हमने की इधर आ जाए यार, पहली एक्सरसाइज हमने की फैसल बीच में रोड़े अटकाता रहा है, पहली एक्सरसाइज साइज के लिए बार के साथ नॉट ग्रिप, दूसरी एक्सरसाइज बाइसेप्स को लंबा करने के लिए हैमर कर्ल, तीसरी एक्सरसाइज हमने कौन सी की क्लोज ग्रिप बार के साथ। बुरहान भाई ने कहा कि डोले की पीक बननी चाहिए पीक के लिए, और लास्ट एक्सरसाइज कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन के लिए कि आपकी पीक बननी चाहिए। बच्चों को बड़ा शौक होता है कि बाइसेप्स बन जाए, यही से पीक का। तो ये थी हमारी डे 8 की एक्सरसाइज, चार इसको फॉलो करें, चार एक्सरसाइज बहुत हैं, 3 से 4 सेट्स कर लें। आप लोग भी एक्सरसाइज करें, देखें कि अगर ये हालत हो गई तो आपकी क्या हालत होगी। यार ये देखना कोई सांस चढ़ा हुआ मुझे बड़े मसल है आपके, उसमें आप 25 से 30% पिक करते हैं स्टार्ट में, तो जरूरी है कि आपके ये छोटे मसल है बाइसेप, तो इसके ऊपर आप 25 से भी नीचे आ जाए 15 से 20% वेट आप कैरी कर सकते हो।
और मैं ये कहना चाहूंगा करना चाहें कोई शेर सुनाना चाहते हैं शेर मैं कल सुनाऊंगा चलिए अभी आप क्या फरमाना चाहते हैं मैं कह रहा था कि गाइस सर्दियां आ गई हैं सुबह सुबह ठंड का मौसम होता है सर्दी लग रही होती है तो जिम आ जाएं यही आपके पास चार महीने इसको देख करके कर ऐसा है कुछ ये मैंने सुना है ये मार्केटिंग की ट्रिक होती है कि सर्दियों में बड़ा अच्छा सीजन है क्योंकि सर्दियों में जिम खाली हो जाते हैं तो इनको चाहिए होता है कि बच्चे जिम आए एसी बंद हो जाता है थोड़ी लाइट भी बच रही होती है बट 12 मंथ्स आर गुड फॉर यू फॉर एक्सरसाइज एक्सरसाइज का कोई सीजन नहीं और सारे सीजन एक्सरसाइज के हैं सर्दियों में वैसे हमें मौत पड़ रही होती है हम जिम नहीं आते सुबह नहीं उठते शाम को बाहर नहीं निकलते ज़्यादा कंप्यूटर का बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं किसी ने कहा ना कौन सा गेम खेलते हैं वो कंप्यूटर के गेम्स और ये लैपटॉप के गेम ज़्यादा खेलते हैं पबजी है या जी शाजी है या कोई भी है डॉक्टर साहब कह रहे थे ना उनने पूछा एक स्टूडेंट से कौन सा गेम खेलते हैं तो उसने कहा मैं ये गेम खेलता हूँ कहाँ अपने अपने स्मार्टफोन के ऊपर तो थैंक यू वेरी मच बुरहान भाई आपने कैमरे पे हमारा साथ दिया आपने कैमरे के सामने भी आना है बुरहान भाई कह रहे हैं मैं डॉलेश वाले बन जाए फिर मैं आता हूँ हमें इजाज़त दें नेक्स्ट वीडियो के लिए फैसल थैंक यू सो मच बुरहान भाई थैंक यू सो मच थैंक यू अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह